गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शंस। आज बहुत ही ज्यादा सर्दी है। सही बात है यार, आज कुछ ज्यादा ठंड है। क्या बोले, आपकी तरफ कैसी ठंड है वो आप लोग लाजमी में बता रहे। एग्जैक्टली, तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ बशर, और आज ठंड है। तो यार काफी लोग इस वीडियो का बोल रहे थे, तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 10 मेड इन इंडिया कार्स एंड बाइक्स दैट एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ। मतलब ऐसी 10 मेड इन इंडिया कार्स और बाइक्स दिखाए गए हैं जो मतलब इंडिया में बनी है और हर इंडियन को उन पे फखर है। तो देखते हैं यार जल्दी से। ऑटो फिक्शन का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हाल चाल, हिंदुस्तान में बहुत सी कार्स और बाइक्स आई और गई और बहुत सी गाड़ियों ने काफी नाम करा है और हाल ही में काफी न्यू कंपनियां इंडिया में आ रही हैं और अपने लाजवाब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, जैसे मॉरिस गैराज जिन्होंने अपनी लाजवाब सेल्टोस को लॉन्च करा है और कंपनीज का इंडिया में आने के चांसेस हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम कोई फॉरेन कंपनीज की गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 मेड इन इंडिया कार्स जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। मतलब इंडिया में करते हैं ऐसी 10 मेड इन इंडिया कार्स दैट एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ। और फिर फट से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। काफी मस्त लग रही है इनकी। पहले हमने वीडियो की है ना, शायद है ना या। ये म्यूजिक से मुझे लग रहा है ना। नंबर वन टाटा नैनो। टाटा नैनो को कैसे भूल सकते हो, जो वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार भी मानी जाती है, यानी चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड में टाटा नैनो का नाम आता है। क्योंकि रतन टाटा का मकसद था कि वो एक ऐसी कार बनाए जो 1 लाख रुपीज यानी ओनली $2,000 में मिल सके, क्योंकि वो स्मॉल फैमिलीज को एक कार देना चाहते थे एक बाइक के बजट में, और उन बाइकर्स के लिए एक अल्टरनेटिव निकाला जो लोग अपनी बाइक पे 2 से ज्यादा लोग बिठा के चलते हैं और अपनी सेफ्टी को जोखिम में डालते हैं। लेकिन सिर्फ शुरुआत के कुछ कस्टमर्स को टाटा नैनो 1 लाख रुपीज में मिली, और फिर 2017 तक नैनो के बेस वर्जन का प्राइस 2,15,000 हो गया था। और इसका रीजन मटेरियल कॉस्ट का प्राइस बताया गया। और वैसे टाटा नैनो को लेकर काफी अफरा तफरी भी मची थी एक टाइम पर, जब रतन टाटा ने अनाउंस करा था कि वो 1 लाख रुपीज में कार देंगे तो लोग सोच में आ गए थे कि कार कैसी होगी, क्या क्या होगा, और मीडिया ने भी काफी प्रमोट करा था टाटा नैनो और टैगलाइन दी थी द पीपल्स कार। और टाटा नैनो के प्रोडक्शन को लेकर भी काफी अड़चनें आई थी, क्योंकि 2006 में टाटा ने अनाउंस करा था कि वो अपना नैनो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिंगूर वेस्ट बंगाल में लगाएंगे, लेकिन वहां के फार्मर्स ने इस पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था और फिर टाटा मोटर्स को नैनो का लॉन्च डिले करना पड़ा और अपना प्रोडक्शन प्लांट दूसरी स्टेट गुजरात में लगाया। और टाटा नैनो के काफी फायर इंसिडेंट भी सामने आए, इससे और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी टाटा नैनो के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी टाटा नैनो चलती रही और आम आदमी की कार बन के आई, जिसने मारुति 800 और अल्टो 800 की सेल भी डिक्रीज कर दी थी उस टाइम के लिए। लेकिन अब 2019 में टाटा नैनो डिसकंटिन्यू होती नजर आ रही है। आप भले ही कुछ भी कहो टाटा नैनो के बारे में, लेकिन इसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इसे फेमस जे लेनोस गैराज में भी दिखाया गया था, और एक सैल्यूट तो बनता है टाटा नैनो के लिए। टाटा ने इसे 2009 में 1 लाख के प्राइस टैग पर लॉन्च करा था, बड़ी बात है। उस समय 150 सीसी की यामा R15 का प्राइस भी 1 लाख एक्स शोरूम था, और आपको यहाँ 1 लाख में एक कार मिल रही थी, है ना, कितनी गजब की बात। सही में यार। नंबर 2 रीवा आई। रीवा आई एक ऐसी कार है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। ऐसी कंपनी निकल कर आई थी इंडिया में, जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स को डिजाइन और डेवलप करा था इंडिया के अंदर ही ग्लोबल मार्केट के लिए। ये गाड़ी इंडिया में ही बनती थी और दुनिया की 26 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करी जाती थी। और इस कंपनी के फाउंडर थे चेतन मियानी। बाद में रीवा महिंद्रा के अंडर आ गई, जब महिंद्रा के साथ मिलके उन्होंने लॉन्च करी महिंद्रा E2O, जिसे आप सब जानते ही होंगे। तो ये एक गर्व की बात ही है कि एक इंडियन कंपनी ने दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी एक्सपोर्ट करी है। मतलब एक्सपोर्ट की है, कमाल है यार। नंबर 3 महिंद्रा स्कॉर्पियो। यार ये बहुत कमाल की है, ये देखो अच्छे से। ये तो इंडिया, हर इंडिया का प्राउड है। 2002 में लॉन्च हुई थी महिंद्रा के 50 साल पूरे होने की खुशी में।
वैसे तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो सबसे पहली कार थी जो पूरी की पूरी इंडिया में ही बनी अच्छा। थी, यानी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कार थी स्कॉर्पियो महिंद्रा की। उससे पहले तो महिंद्रा विलिस जीप को ही बनाते थे, मैंने ऐड देखे थे बहुत यार, ये उधर स्टार प्लस पे भी आते थे और जापान से भी मदद थी, और सिर्फ 23 इंजीनियर्स ने ही पूरे प्रोजेक्ट पर काम करा था। और अगर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो पसंद है और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, ये राइट हैंड साइड आई बटन स्कॉर्पियो पर मेरी एक और अभी भी इंडिया में बहुत क्रेज है इसका, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 4 डीसी अवांती। डीसी अवांती डीसी लैम्बोर्गिनी। हाँ जी, डीसी अवांती और बहुत से लोगों को फिर भी ये ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था डीसी की तरफ से, क्योंकि डीसी चाहती थी कि वो एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार बनाए, और उन्होंने लॉन्च के टाइम इसकी एक्स शोरूम प्राइस रखी थी 36 लाख रुपए, और इसमें 2.0 लीटर का इंजन है जो 248 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर की पाकिस्तानी कार के साथ। और कमेंट में फिर भी बहुत बताइए कि डीसी अवांती क्यों इतनी हिट नहीं हो पाई इंडिया में एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार होने के बावजूद। हाँ यार, ये क्यों नहीं हुई, ये कमेंट में हमें भी बताना। टॉर्क T6X टॉर्क फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जो एक इलेक्ट्रिक बाइक के साथ आई थी, और ये बाइक पुणे के एक स्टार्टअप से ही आई थी। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इस बाइक को 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक पहुंचाने में मदद करती है, और काफी प्यारे लगता है चीजों के 100 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पर, और इसकी बैटरी 80% सिर्फ 40 मिनट में चार्ज हो जाती है। 80% 40 मिनट तो इलेक्ट्रिक बाइक में माइक्रोमैक्स कंपनी के ओनर की बाइक रिवोल्ट RV400 का काफी नाम चल रहा है, जो अपने काफी फीचर्स के साथ आने वाली है, जो हाल ही में लॉन्च हो चुकी है। नंबर 6 एथर S430। हाँ जी, आजकल वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज्यादा जोर चल रहा है इंडिया में, तो इसी वजह से आगे अपनी लिस्ट में आती है एथर S430, जो एक फ्यूचरिस्टिक लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड के साथ क्लस्टर है, जिसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड, नेविगेशन और भी बहुत से फीचर्स। और स्कूटी के अंदर 75 किलोमीटर पर आवर की, और इसकी कमाल के बीच है सिंगल चार्ज पर। और इसका बड़ा भाई एथर S450 भी आता है, और ये सब इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर अपनी मार्केट धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। इलेक्ट्रिक वैसे काफी इंडिया में चल रहा है कि क्या है अपने इंडिया का फ्यूचर, क्या इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक अब जल्द से जल्द आने वाली है, आने वाली है, जल्द से जल्द आने वाले हैं, और कितनी जल्दी हमारी मार्केट फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली मार्केट बन पाएगी, कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग इतना मुबशे हैं घंटों कैसे वेट करेगा चार्ज कराते हुए गाड़ी। नंबर 7 रॉयल एनफील्ड हिमालयन। हिमालयन 2016 में लॉन्च हुई थी, और ये रॉयल एनफील्ड की लाइनअप में एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करा था, और ये बाइक इंडिया की सबसे पहली ऑफ रोडर या एडवेंचर बाइक है जिसमें इसको पावर इसके 411cc के 4-स्ट्रोक इंजन से मिलती है, जो 24.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 32 काफी हैवी बाइक है ना। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी आते हैं है है। जैसे कंपास, पहाड़ों के लिए टेम्परेचर गेज, एलईडी पार्किंग लाइट्स, रॉयल एनफील्ड पे तो बहुत से लोगों का काफी भरोसा है, और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन भी एक ऐसी बाइक है जिसपे हर इंडियन को हिमालयन करना चाहिए। नंबर 8 बजाज पल्सर। 10 मेड इन इंडिया कार्स या बाइक की बात की जा रही हो और उसमें बजाज पल्सर का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया के ये ऐसे बाइक हैं जो मतलब स्पोर्टी लोग हैं, और पल्सर सीरीज की बाइक्स ऐसी बाइक्स हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक मानी जाती हैं इंडिया की। और पल्सर सीरीज में आपको काफी इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 125cc से लेके 400cc तक, इसलिए ही यंगस्टर्स से लेके ओल्ड पीपल्स को भी बजाज पल्सर पसंद आती है। और अगर आपको बजाज पल्सर के बारे में और तो जानना है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। ये सबसे कमाल बाइक है पल्सर। नंबर 9 टाटा इंडिका। टाटा इंडिका एक ऐसी कार थी जो टाटा की सबसे पहली मतलब फैमिली कार है, और ये ग्लोबली 1998 में शोकेस करी गई थी। और टाटा इंडिका को इंडियास फर्स्ट इंडिजिनस पैसेंजर कार के नाम से भी जाना जाता है, यानी टाटा इंडिका इंडिया की सबसे पहली ऐसी कार थी जो यानी पूरी की पूरी इंडिया में ही डेवलप हुई थी।
इससे पहले इंडिया की कोई खुद की कार नहीं थी। अच्छा। और टाटा मोटर्स कंपनी सबसे पहले टाटा ने मतलब एक ऐसी कार देना चाहते थे जो साइज में बड़ी हो लेकिन कीमत में कम। और इसी वजह से जब टाटा की इंडिका लॉन्च हुई तो मारुति ने अपने जैन के प्राइस झट से कम कर दिए। और टाटा इंडिका को बनाने में सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में ही हुई थी। अच्छा, कमाल कार फर्स्ट इंडिजिनस कार ऑफ आर कंट्री। नंबर 10 बजाज RE60 और क्यूट। RE60 को क्यूट भी कहा जाता है। ये एक क्वाड्री साइकिल है बजाज की तरफ से, या कहें तो इसे ऑटो रिक्शा का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। और ये सबसे पहली बार 2012 में दिल्ली दिखाई गई थी और 2014 में इसे प्रोडक्शन रेडी कर दिया गया। ये व्हीकल इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है पूरी तरह से। बस 6 साल की लीगल फाइट करने के बाद बजाज इसे सिर्फ कमर्शियल नंबर के साथ बेच सकती है। लेकिन बाहर कई देशों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें 216 सीसी का इंजन है जो 20 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और गियर चेक का सीएनजी तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है, और ये काफी कम पोल्यूशन करती है, इसलिए एक ऐसी गाड़ी बन जाती है हमारी कंट्री में जो लीस्ट पोल्यूटिंग व्हीकल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ इसी साथ ये वीडियो खत्म है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार कमाल की लिस्ट थी, मजा आया देखकर। मतलब यार मुझे दुख है नैनो का थोड़ा सा, मतलब वो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। तो बेहतर है चले, क्योंकि वो एक दुनिया नॉर्मल फैमिली का एक सारा है। एक इंडिया पर एक रिकॉर्ड था जो मतलब दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार थी, और वो वहाँ पे इंडिया में मतलब नॉर्मल फैमिली सबसे बड़ा सारा है जिनको कारों का शौक है, जितनी महंगी नहीं ले सकते वो लेके चलाते। और यार मैंने पूछना था, मतलब होंडा सिविक जो है आप लोगों के पास, उसका मतलब क्या रेट है उधर? मतलब जो अगर मतलब थोड़ा मतलब पुराना मॉडल 2010-11 जो यूज्ड में हो, होंडा सिविक रिबॉन की बात कर रहे हैं, वो कितने तक इंडिया में मिल जाते हैं? और जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसके क्या रेट? हाँ, उसका क्या मतलब रेट है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ये आज हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो यार मतलब बजाज स्कॉर्पियो वो तो अभी भी चल रही है, और कमाल की चीज है, वो फेवरेट है कार। अच्छा, रॉयल इनफील्ड की फिर है टाटा की। टाटा ने यार अपनी उस टाइम कार दी जब मतलब किसी वो थी नहीं इंडिया की, मेड इन इंडिया थी। तो यार मतलब टाटा, यार टाटा में क्या सबसे चीज है यार, सबसे ज्यादा देशभक्त इंडिया की जो कंट्री है वो कंपनी है, वो टाटा ही है, वो है टाटा। और मुबशर चल ये तो ये, और अब इंडिया इलेक्ट्रिक कार स्कूटर्स बाइक्स बना रहा है, उसमें आ रहा है, मतलब इसमें आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है। बिल्कुल। और फिलहाल वो वाला मुझे नहीं कर रहे वो मुझे लेकिन ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे वो स्कूटी काफी ज्यादा मतलब, जाहिर बात है इधर अभी चार्जर वाला वो है नहीं यार, उसके लिए वो लगाने पड़े। एक यार मुबशर चल आधे घंटे में भी चार्ज हो रही है, तो उतना लोग वेट कैसे करेगा यार? शायद घर से चार्ज करके आए, करे लोग, खत्म नहीं होगी लंबे सफर के लिए, क्या सीन्स होगा यार ये बताना आप लोग। ये तो ये बात है, मतलब इतना मतलब अंदर गाड़ी में हमारे अंदर तो हम लोगों को जलती हुई भी होती है, मतलब तेजी में हमने तो वेट नहीं होता। तो यार आप इसके बारे में, आपको कौन सी फेवरेट है, और जो डिसकंटिन्यू होगी उसका मतलब गम लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता लो। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ख्याल रखना। तो यार बाय।